कोविड आया तो तब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, कोई ऐसा बिजनेस भी होना चाहिए जो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में भी सर्वाइव करे। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे वो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनेबलर्स को मैंने ज्वाइन किया तो एक मेरी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने एक महीने में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप वर्चुअली कहीं भी बैठ के, आपके पास एक लैपटॉप है, एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप कहीं भी बैठ के अपने इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं 10-12 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अपने शहर में नहीं है। तो मैं इस बिज़नेस में इस वजह से आया कि मुझे लगा कि ये वो बिज़नेस है जिसके थ्रू मैं अपने शहर में मैं कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ और वहाँ के लोगों को अवेयरनेस दे सकता हूँ कि मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, आप लोग भी इस बिज़नेस में मूव करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। ई कॉमर्स के एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक जंग से है। बड़े इंसान को पहचानने के कई पैमाने हैं, लेकिन एक सादा सा कुलिया ये है कि वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है। ये हमारे मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा कि जंग के लोगों को ई कॉमर्स की अवेयरनेस दी जाए और वहाँ पे भी ई कॉमर्स की एक फ्रेंचाइज बनाने का ख्वाब इनके जहन में है, जिसको ये आने वाले वक्त में पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये ई कॉमर्स में कैसे आए और प्राइवेट लेबल में किस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद एतज़ाज़ गिलानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स की तरफ आपने रुख कैसे किया, जैसा कि आप बिज़नेस कर रहे थे तो बिज़नेस करते करते आपको ई कॉमर्स बिज़नेस का ख्याल कैसे आया? बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। बेसिकली जब कोविड आया तो तब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि जो है कोई ऐसा बिज़नेस भी होना चाहिए जो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में भी सर्वाइव करे और सबको साथ लेके चले। तो मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की तो मुझे पता लगा कि आजकल दुनिया जो है वो रैपिडली जो है वो एक ग्रोइंग बिज़नेस ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा मूव कर रही है। तो मैंने उसकी रिसर्च स्टार्ट कर दी। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सैयद कामरान, उनके साथ एक दफ़ा मैं डिस्कशन पे बैठा तो उन्होंने भी यही ज़िक्र किया कि मैं भी एक जॉब माइंडसेट से बिज़नेस माइंडसेट की तरफ आ रहा हूँ और मुझे भी ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो एक सही लग रहा है, जो जिस तरफ दुनिया अब मूव कर रही है। तो हम दोनों ने फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो एक चीज़ों को डिग आउट करना स्टार्ट किया कि ऑनलाइन बिज़नेस में हम किस तरह जा सकते हैं, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारी इन चीज़ों को जो है वो या हमारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करेगा। तो इस तरह से मैं ई कॉमर्स बिज़नेस की तरफ आया। सर, आपने बड़ी डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी चूज़ की पेट्स की, इसके पीछे क्या वजह थी? देखें, पेट कैटेगरी को चूज़ करने की कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं थी। मैंने जब प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की, जो लोगों को एक बहुत ही मुश्किल पार्ट लगता है इस बिज़नेस का, तो मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ को जो है वो सिलेक्ट किया और उसमें से देखना स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट की। तो मैंने क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा की तो फिर मेरे सामने एक ऐसा प्रोडक्ट आया, ठीक है, मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और कैटेगरी जो है वो पेट सप्लाईज में जो है वो। अच्छा, बहुत सारे लोग सर जब ई कॉमर्स में आते हैं तो ई कॉमर्स उनको बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन आपने अभी गुफ्तगू में मुझे बताया कि आपने एक महीने में ही अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी थी, तो वो कौन से ऐसे स्किल्स थे जो आपके पास थे, आपको महसूस होता है कि उन स्किल्स की वजह से आपके लिए बड़ी आसानी रही, आप वो नाज़रीन के साथ शेयर करें? देखें, कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो ई कॉमर्स बिज़नेस है, चाहे वो कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है किसी भी काम को करने की तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, तब ई कॉमर्स। मेरे अंदर डेडिकेशन एक बहुत ज़्यादा थी और मैं स्टार्ट से ही बिज़नेस, मेरा माइंडसेट है तो मैं डिफरेंट चीज़ों को पे रिसर्च करता रहता हूँ बिज़नेस, इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस। तो जब मैंने इसमें एनेबलर्स को मैंने ज्वाइन किया तो एक मेरी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने एक महीने में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया। और दूसरा, जो मेरे मेंटोर हैं सर खुरम खालिद, उनकी एक बहुत आउट ऑफ द वे जाके
एक स्पोर्ट थी जिसकी वजह से मैं इस काबिल हुआ कि मैं एक महीने के अंदर अपने प्रोडक्ट को सर्च करके और उसको मैं लाइव कर सकूं। सर मुझे ये बताइएगा कि यूथ जो इस फील्ड में आना चाहती है उसे आप क्या कहेंगे, वो किस तरह से काम करें और ई कॉमर्स को स्टार्ट कैसे करें? देखिए यूथ को मैं एक मैसेज जो बेसिक मैसेज है वो ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस बिज़नेस की तरफ आएँ। ऑनलाइन दुनिया कोविड ने बाहर तो लोगों को पता था कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है और लोग मोस्टली 80% अबव 80% ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन जब ये कोविड आया तो हमारे पाकिस्तान में भी ख्वातीन को ज़्यादातर ख़वातीन को ये पता लगा कि अच्छा ब्रांड्स पे ऑनलाइन शॉपिंग भी हम कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि वो इस बिज़नेस की तरफ आएँ। बहुत ही आसान बिज़नेस है, सिर्फ आपकी डेडिकेशन चाहिए होगी, आपको मज़ा भी आएगा इस काम को करने का। और आप वर्चुअली इस काम का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप वर्चुअली कहीं भी बैठ के, आपके पास एक लैपटॉप है, एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप कहीं भी बैठ के अपने इस बिज़नेस को कर सकते हैं। सर जंग से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ की सबसे पसंदीदा चीज़ आपकी क्या है? देखिए हमारे जंग का जो है वो सोन हलवा बहुत फेमस है और मेरा पसंदीदा भी वही है। तो बेसिकली मैं इस बिज़नेस में कदम रखने का मकसद यही था कि मैंने, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं 10-12 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरी कोई कंट्रीब्यूशन अपने शहर में नहीं है। तो मैं इस बिज़नेस में इस वजह से आया कि मुझे लगा कि ये वो बिज़नेस है जिसके थ्रू मैं अपने शहर में मैं कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ और वहाँ के लोगों को अवेयरनेस दे सकता हूँ कि मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, आप लोग भी इस बिज़नेस में मूव करें। तो मैंने अनेबलर्स को अप्रोच किया और उनको फोर्स किया कि वो अपना एक ऑफिस जो है वो झंग में ओपन करें ताकि मेरे झंग के जो लोग हैं, वहाँ के जो यूथ हैं, उनको बड़े शहरों में ना आना पड़े, वो वहीं अपने शहर में बैठ के हमारे, जिस तरह मैं झंग से सक्सेस स्टोरी हूँ, मेरी तरह और भी झंग से सक्सेस स्टोरीज हों। सर इस सारे सफ़र में आपके कोई पार्टनर भी थे या आप अकेले ही चलते रहे? नहीं, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त सैयद कामरान अली शाह जो कि दुबई रिटर्न हैं, उन्होंने जॉब इस बिज़नेस की वजह से अपनी जॉब को जो है वो छोड़ा और उन्होंने मेरे साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और जब से मैंने ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया वो मेरे साथ हैं और वो मैं इस डिपार्टमेंट को देखता हूँ, वो डिफरेंट ऑपरेशंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, तो वो मेरे साथ मिलके हम इस अमेज़ॉन के बिज़नेस को, ऑनलाइन बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। सर जंग में जो आप फ्रेंचाइज खोलेंगे उसके पीछे क्या मकसद है और उसको फिर किस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे? देखिए जंग में फ्रेंचाइज खोलने का मकसद ये है कि मैं 2008 में लाहौर आ गया था अपनी स्टडीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता था कि कुछ फैमिलीज़ में कुछ हमारी बहनें या हमारे भाई ऐसे हैं जो कि उनके फैमिली के ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जो कि अपना घर छोड़ के बड़े शहरों में पढ़ाई करने या कॉन्टीन्यूसली जॉब करने नहीं आ सकते। तो मेरे माइंड में आया कि अगर उन तक वहाँ उनके शहर में इस चीज़ को पहुँचा दिया जाए तो वो एक अनेबलर से हमारे कोर्सेज करके, ट्रेनिंग करके वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने होम टाउन में, अपने शहर में बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे अब जो है वो ऑनलाइन एक अच्छी डॉलर्स में इनकम जनरेट कर सकेंगे, तो उनको शहर, बड़े शहर में मूव नहीं होना पड़ेगा और अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से अब इंशाल्लाह हमारा अगले मंथ जो है वो नेमलेस का ऑफिस ऑपरेशनल हो जाएगा झंग के अंदर और वहाँ के लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उन्हें फैसलाबाद या लाहौर नहीं आना पड़ेगा नेमलेस का कोर्स करने के लिए, उनके शहर में वहाँ ऑफिस ओपन हो रहा है और उनको वहीं से जो है वो इसकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सर आपके मेंटोर कौन थे और उन्होंने किस किस तरह से आपको गाइड किया और हेल्प किया और सपोर्ट किया? देखिए जी मेरे मेंटोर जो हैं वो सर खुर्रम खालिद थे जो कि ज़ाती तौर पर सबसे पहले एक इंसान, बहुत अच्छे इंसान हैं और मैंने उनको रात को भी तंग किया है, 2 बजे भी, 3 बजे भी मैंने उनको कॉल करके, उनको टेक्स्ट करके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा मैड मोटिवेशनल लेवल मेरा बहुत ज़्यादा था और डेडिकेशन, मैंने इस काम में बहुत अपना टाइम दिया है तो मैं टाइम नहीं देखता था, रात 2-3 बजे भी मैं उनको टेक्स्ट या कॉल कर देता था, तो उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे आंसर करते थे और इसी वजह से मैं विद इन अ मंथ जो है वो अपने प्रोडक्ट को ये
एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि आप प्रोडक्ट को, क्योंकि लोगों को दो दो महीने लग जाते हैं प्रोडक्ट को सिर्फ हंट करने में, तो मैंने एक महीने के अंदर अपने अकाउंट्स को भी मैनेज किया, बनाया, प्रोडक्ट को भी हंट किया। और ये सिर्फ अपने जो मेंटोर हैं सर खुरम खालिद और उनके SSM हैं सोएब खान न्याजी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उन लोगों की सपोर्ट के साथ मैं इस काबिल हुआ कि मैं एक महीने के अंदर अपने प्रोडक्ट को लाइव कर सकूं। सर, आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? देखिए, मंथली अर्निंग तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा जो मंथली रेवेन्यू है वो अबव जो है वो 8,000 pounds है, ठीक है। तो मेरी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसका मेरा 40% प्रॉफिट मार्जिन है, तो पर मंथ मेरी अबव 8,000 रेवेन्यू है, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट मार्जिन देख लें कि 40% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या बनता है। सर, मुझे ये बताइएगा कि साकिब बदर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, जैसे आप जंग के लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, आप उनके विज़न को कैसे देखते हैं? देखें, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर, साकिब बदर का विज़न और मेरा विज़न जो है वो मिलता जुलता है, और सिर्फ फ़र्क ये है कि वो UK से आए अपने पाकिस्तान को इनेबल करने के लिए, वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर इस काम को कर रहे हैं, और उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम भी मतलब उनकी तरह, मेरे जहन में भी सवाल उठते थे, जैसे उनके लिए उनके जहन में आते थे कि मैं अपने पाकिस्तान को इनेबल कैसे करूं, वैसे मेरे माइंड में एक सवाल घूमता रहता था कि जी मैं अपने शहर के लोगों को किस तरह इनेबल करूं। तो उनका VN बहुत अच्छा है, आज मैं अगर इस जगह पर बैठा हूँ तो उनके VN की वजह से ही बैठा हुआ हूँ, और इनेबलर्स ने ही मुझे इतना कैपेबल किया है कि मैं ख़ुद भी इस बिज़नेस में अच्छा अर्न कर रहा हूँ और कर सकूँ, और मैं अपने शहर के लोगों को भी जो है वो इतना कैपेबल कर सकूँ कि वो एक अच्छी अर्निंग कर सके, और ये सर साकिब अज़र के VN की वजह से ही है। थैंक यू सो मच सैयद एतज़ाज़ गिलानी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और इनके विज़न के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। नाज़रीन, कोई एक इंसान पौधा लगाता है और वो कुछ वक्त के बाद दरख्त बनता है, फिर कुछ लोग उसकी छाँव में बैठते हैं और कुछ लोग उसका फल खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनेबलर्स और साकिब बदर साहब काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में लोग इस दरख्त की छाँव में भी बैठेंगे और इसका फल भी खाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।